दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने नामजद युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के ग्राम सिरसा खास में विगत 3 जून 2021 को खेत पर शौच को गई युवती जब वापस घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने रात में ही ग्रामीणों की मदद से टॉर्च लेकर खेतों में काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पता लगा कि एक लड़की बेहोशी की अवस्था में खेत पर पड़ी है तो परिजन तत्काल ही घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और युवती को पहचान कर घर ले आए। होश आने पर युवती ने बताया माता पिता को रोते हुए कि समीपवर्ती ग्राम नगला पंचम के कुछ नामजद युवक उसे बाइक पर जबरदस्ती अगवा कर कहीं ले गए और नशीला पदार्थ का सेवन कराकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और थाने में शिकायत करने पर माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद लड़की के पिता सुरेंद्र सिंह को कुछ लोगों द्वारा धमकी मिलने पर सुरेंद्र 3-4 दिन के लिए अपने परिवारी जनों को लेकर पंजाब चला गया। बाद में वापस आकर उसने अपने परिवारी जन व गाँव वालों के साथ इस मामले में मदद की गुहार लगाई तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और इस घटनाक्रम के अंतर्गत कल दिनांक 7 जून की शाम करीब 6 बजे सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष युवती को लेकर सिरसागंज थाने आए और मुकदमा लिखवाने की मांग की। थाना प्रभारी सिरसागंज गिरीश चंद्र गौतम ने तत्काल ही मामले की सूचना फोन के द्वारा उच्च अधिकारियों को दी। पीड़ित लड़की व उसके माता पिता को मदद का भरोसा दिया और सुसंगत धाराओं में सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम नगला पंचम के रहने वाले 4 नामजद युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस ने देर रात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश देना शुरू कर दिया है। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। ग्राम सरसा खाद का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की 3 तारीख को शौच करने के लिए खेतों पर गई थी। जब मेरी लड़की शौच करते समय पर वहाँ पर 3 मोटरसाइकिल वाले आ गए। उस मोटरसाइकिलों पर 4 लड़के थे। जब 4 लड़के थे तो उन लड़कों ने मिल करके मेरी लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया, दुष्कर्म करने के बाद कहते हैं मेरी लड़की को ले गए। ले जाने के बाद अब हम लोग मतलब लड़की को जब ढूंढते रहेगा तो पूरी रात जब ढूंढा तो लड़की हमारी नहीं आएगा तो सवेरे जब हमें खबर मालूम पड़ी तो लड़की नगला पंचम में गया था। आगे क्या हुआ? नगला पंचम मिली जाकर के जब लड़की से जब मैंने कहा मिली लड़की नगला पंचम किस कंडीशन नशे की कंडीशन में लड़की मिली हमको। जब लड़की से मैंने उस आवाज में उससे कुछ जब बातें पूछी तो उसने कहा कि मैंने बेटी तू कहाँ गई थी तो वो कह रही थी कहते कि भाई वहाँ चले गए थे तो ऐसे ऐसे लड़के हमको ले गए थे तो मेरे साथ दुष्कर्म किया था। और दुष्कर्म करने के बाद जो मान लो पूछी उनसे तो वो जी कह रही थी कहते कि तेरे माँ को तेरे पिताजी को जान से मार देंगे अगर कोई बात अगर घर पर जा कर के कहीं तो। हम तो वह भी तो करे कि हम तो भाई भाग गए थे, हम तो अपने पंजाब चले गए थे, बस भगवान हमारी मदद कर। बजे की घटना थी ये? 3 बजे की, अब 8 बजे की घटना थी सर। दिन की रात की? नहीं, रात की। अच्छा। 3 मोटरसाइकिल वाले आ गए, 4 लड़के थे, वो लड़के नगला पंचम के रहने वाले हैं।